कराची नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में 90% जानवर फरोख्त हो गए हैं। व्यापारियों के नखरे आसमान से बातें कर रहे हैं, कहते हैं मुंह मांगे दाम ना मिले तो जानवर वापस ले जाएंगे। सफदर अब्बास की रिपोर्ट देखेंगे। मिशन मंडी का फाइनल राउंड, लोगों को मनपसंद जानवरों की तलाश। कराची की नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में 90% जानवर फरोख्त। बेशतर व्यापारी तो घरों को भी लौट गए। मंडी में अब खरीदार ज्यादा हैं और जानवर कम, जिसकी वजह से व्यापारियों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। खरीदार भी किसी सूरत महंगा जानवर खरीदने को तैयार नहीं। जो व्यापारी हैं वो जानवर की कीमत कम करने को तैयार ही नहीं है। यानी कि कुछ से तो हमने ये सवाल किया कि भाई आप ये जो जानवर हैं ये बेचने भी हैं या घर लेके जाएंगे? यानी कि रेट उनके इतने हाई हैं कि समझ नहीं आ रहा, जो जानवर आज से एक साल पहले 2 लाख में मिलता था वो जानवर इस वक्त 5 लाख का हुआ। ढूंढेंगे अभी, क्या करेंगे यार, कुछ कर थोड़ी सकते हैं हम, क्या करेंगे, गरीब आदमी है। तकरीबन रात 11 बजे 12 बजे से हम यहाँ घूम रहे हैं ना। एक तो मंडी में जानवर बहुत कम है, सही है, और जो बचे हुए हैं ना वो उनको उसी में ही कमाने। मतलब आप जाएंगे दूसरी छोटी छोटी जहाँ पे जहाँ पे लोग पालते हैं ना, वहाँ जाएंगे और कहाँ जाएंगे? व्यापारी कहते हैं खरीदार कीमत नहीं लगा रहे, जानवर ना बिका तो वापस ले जाएंगे। ख़त्म हो गया अभी, 3-4 ही रह गया, आज ही लोड करना शुरू हो गया। गाड़ी आपके सामने खड़ा है, माल भी लोड करना है और ख़त्म, जब तक ख़त्म भी हो जाएगा। यहाँ का सारा काम ख़त्म हो चुका है। मुख्तसर लाइट थे जिसकी वजह से हम इसको नहीं ऑन कर सकते थे, क्योंकि हमारा डीजल के जो कॉस्ट है और जनरेटर अप्रूवल नहीं हो सकता था। इंशाल्लाह दिन बिक जाएंगे तो बिकेंगे, ना तो वरना वापस ले जाएंगे, और क्या करेंगे। मंडी की रौनक मान पड़ चुकी है, शामियाने और स्टेज भी हटा दिए गए। नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में इस साल कुर्बानी के लिए तकरीबन 2 लाख से ज्यादा जानवर लाए गए थे।